गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। आज तो मैं घर जा रही हूँ। ओह क्यों नहीं? अब कैसे हो तुम? अच्छा हो सर। नो प्रॉब्लम, दो दिन में ठीक हो जाओगे, ठीक है ना? ओके सर। गुड। क्या हो गया इसे? पता नहीं डॉक्टर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बस सेलिन दिया था। संभालो इसे। शिट, अरे ड्रिप निकालो उसकी। एमएन कंपनी की दवाइयां मत दो, सारे हॉस्पिटल्स में बता दो ये सब। Okay, डॉक्टर मेरे बच्चे को देखो, पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी सलाइन दी थी सर। ईआर में ले जाओ इसे। ओके सर। इमरजेंसी में ले जाओ। डॉक्टर ये मेडिसिन कहां से आती है? जल्दी उधर देखो, कहां से आती है? मत बना सकता सर, ये सब इसी की वजह से हो रहा है। ये दवाई लोगों को मारने के लिए बनी है ऐसा लग रहा है सर। एज पर मेडिकल गाइडलाइंस इसमें एंडोटॉक्सिन होना चाहिए 0.5%, इसमें 2.5% है सर। रेगुलेशंस फॉलो किए बिना बनी दवाई कौन लाया यहां पर? सब बताता हूं, अंदर आओ। इस इशू को मत बढ़ाओ सत्या। पता है कंपनी का ओनर कौन है? गुरु के प्रॉक्सी रवि की। मेरी बात मानो, हम कुछ नहीं कर सकते, इस मैटर को यहीं पर छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा और हम में से कोई भी नहीं बचेगा। सर बच्चे मर गए, तीन और क्रिटिकल कंडीशन में। थोड़ी देर पहले ही सर इसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग अंकल, आज मैं जा रही हूँ, मगर उससे पहले ये दुनिया छोड़कर चली। अब भी क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे सर? सबको मरने देंगे? सर तीन बच्चे मर गए और बाकी मरने की कगार पर है वहां पर। बच्चों की जिंदगी से बिजनेस कर रहे हैं सर वो लोग। लेकिन हमें उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम तो सिर्फ डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर होने का मतलब काइंडनेस कंपैशन, यही होता है ना? अब हम क्या करेंगे सर? क्या जवाब देंगे हम इनको? प्लीज डोंट गेट इमोशनल, हम कुछ नहीं कर सकते। बोलिए बोलिए ऐसा इनसे बोलिए। पेरेंट्स को बच्चों से बहुत उम्मीद होती है और इसीलिए वो लोग भरोसा करके उन्हें हम डॉक्टर्स के पास लेके आते, और अब इसका क्या फायदा? इस कोटर स्टेथोस्कोप का क्या फायदा? सत्य प्लीज प्लीज काम नाम सत्या, शांत हो जाओ। सर मुझे रोकिए मत, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये एमएन की तो मैं इसके